गर्मियों में मैं क्रिकेट खेलता था। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। आइए हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं जिसमें हलाली परचम पाकिस्तान की झंडियां जो हैं 14 अगस्त पर उनकी बेहुरमती हो रही है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि मैं कितनी झंडियां उठा रहा हूं। ये देखिए जश्न आज़ादी मुबारक, ये आगे और पड़ी हुई है और तकरीबन हद से ज़्यादा जो हैं झंडियाँ वो ख़राब हुई हैं बारिश से। जो है कागज़ बिल्कुल, ये देखिए कागज़ बिल्कुल हल्का सा कागज़ है और रंग भी नहीं है। जो पाकिस्तान का झंडे का रंग है वही झंडा होना चाहिए। यहाँ काली पीली जिस तरह का किसी का कागज़ जिसको मिलता है उसी तरह की झंडियाँ बना के जो है मार्केट में फरोख्त कर रहा है। बड़ा जो है वो अफसोस का मकाम है कि हम पाकिस्तान की झंडी की कितनी बेहुरमती कर रहे हैं। वतन की मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा होती है। आप देखिए, हम आपको इस वीडियो में आपको एक क्लिप दिखाते हैं पीर अजमल साहब का कि वतन की मोहब्बत के हवाले से कि वतन की जो मोहब्बत होती है ना, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा होती है। फिर मैंने शौकत खानम के लिए जब पैसे इकट्ठे किए। अल्हम्दुलिल्लाह, रही जिंदगी तो आने वाले साल जो कपड़े का झंडा होता है उसी को ही अलाउ होना चाहिए। जितनी भी झंडियाँ बनाई जाएं मार्केट में आने के लिए, घरों पे छतों पे जो लगाई जाती हैं वो कपड़े की झंडी हो, अगर महंगी भी होगी तो उसकी हिफाजत हो सकती है। जो कागज़ की झंडी है जब लगाई जाती है, इस साल तकरीबन बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं जिसकी वजह से बारिश होती है तो वो जो झंडी वगैरह है उसके ऊपर पानी लगता है तो वो गल जाती है और नीचे गिर जाती है। सारी झंडियाँ जो हैं आपको हम वीडियो में दिखाते हैं कि सारी झंडियाँ जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं और नीचे पांव तले आ रही हैं। और ये तो मैं अपने ही इलाके का माहौल आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप पूरी गलियों में बाज़ारों में निकल जाएँ तो ऐसे ही होता है। गाड़ियों के ऊपर झंडियाँ लगाई हुई हैं वो भी नीचे गिर रही हैं, छतों पे, दरख्तों पे, हर जगह पे हलाली परचम की बेहुरमती हो रही है। आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगले साल के लिए नोट्स लें और झंडा जो है वो बिल्कुल कपड़े का होना चाहिए और ऐसा मजबूत होना चाहिए कि जिसकी बेहुरमती ना हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।